हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडक्टर का ये पार्ट टू लेक्चर है, 16th नंबर लेक्चर है। और पिछला लेक्चर जो था वो लेक्चर 15 था। पिछले दो दिन से जो वीडियोस अपलोड हो रहे थे वो एक कंप्यूटर का डेमो लेक्चर था, जो कि हम लोगों ने कोर्स जो लॉन्च किया है उसके लिए जो भी डेमो लेक्चर्स हम लोगों ने बनाए थे, जो सर ने पढ़ाया है उसका हमने डेमो लेक्चर वहाँ अपलोड किया था, जो भी सर पढ़ाएंगे अपने फुल कोर्स में, ठीक है। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो था कोर्स को लॉन्च को लेके कि कोर्स की डिटेल्स क्या रहेंगी कोर्स में, वो था। तो इसीलिए आज दो दिन बाद मैं इंडक्टर का जो पार्ट टू का लेक्चर लेके आया हूँ। पार्ट टू इसीलिए क्योंकि उस लेक्चर में कुछ बातें अधूरी रह गई थी और अधूरी बातें करना मुझे आता नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बात को पूरी करने के लिए आज ये सेकेंड पार्ट का लेक्चर लेके आया हूँ। और आप लोग इस लेक्चर में, मैं उम्मीद करता हूँ, वो 15 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट रह गई थी हर तरीके के, मैं आपको सवाल कराता हूँ, इसीलिए ये क्रैश कोर्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, मैसेज मेरे पास आया था कि सर आप क्या क्रैश कोर्स बंद कर रहे हो। नहीं बेटा, वो जो कोर्स था वो कंप्यूटर को लेके था और टेस्ट सीरीज को लेके था, ठीक है। मैं ये जो क्रैश कोर्स है, जो वादे अनुसार जो आपका है, ये पूरा खत्म होके ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज आपकी रह गई थी, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस 15 नंबर लेक्चर में नहीं हो पाए थे वो अब मैं यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडक्टर के ही जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में आ जाते हैं, आ सकते हैं, वो लेके आया हूँ। इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी ना छूटे। देखिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने हमेशा क्वेश्चन के लिए कहा है, देखिए आपको ये न्यूमेरिकल जरूर दिख रहे होंगे, पर भागना नहीं, प्लीज भागना इसलिए नहीं है, अगर आप भागेंगे इससे तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 0.01H की एक प्रेरक कुंडली, देखिए मैंने हमेशा एक चीज कही है, वैसे तो ये नाम से पता चल रहा है, एक प्रेरक कुंडली मतलब वो बोल रहा है कि इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया है, प्रेरकत्व दिया है। देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो सरनेम से पहचानिए। देखिए, किसी की भी मात्रक जो लगी होती है उसका सरनेम होता है, मतलब एच अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है इंडक्टेंस ही होगा, प्रेरक ही होगा। एक प्रेरक कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, मतलब देखिए फिगर को भी बनाना सीखिए। अगर कोई कुंडली उसने बोली है, कॉइल उसने बोली है जो कि 0.01H है, और उसे कितनी की प्रेरक कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बैटरी से जुड़ी हुई है, तो कितनी की बैटरी से जुड़ी हुई है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब एक बात तय है कि ये एसी है। एसी क्यों है, क्योंकि 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की बैटरी से जुड़ी हुई है। परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात और विद्युत धारा ज्ञात करें, परिपथ में प्रेरणीय प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करें और विद्युत धारा ज्ञात करें। मैं एक और बात यहाँ पर भी कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए पिछले जो 15 लेक्चर में जो अधूरा रह गया था वही तो बात करने आए हैं हम लोग। देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं फिर से ये चीज़ कहूँगा कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया क्लास में, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी थी और एक्सेल की यूनिट ओम थी, मतलब प्रेरक प्रतिघात की यूनिट ओम होती है और इंडक्टेंस की प्रेरकत्व की यूनिट एच होती है, हेनरी होती है। अभी आप एक चीज समझिए कि ये इसने क्या पूछा है, प्रतिघात। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, ओम में, तो ओम में जाहिर सी बात है इंडक्टर को लेकर क्या ही पूछा सकता है, प्रेरक प्रतिघात ही पूछा जा सकता है। और एम्पियर में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसका मतलब करंट पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आपको करंट निकालना है और एक्सेल निकालना है। मैंने देखिए आपको बड़ा ही ध्यान, एक बात समझिए कि जब भी क्वेश्चन किसी भी कुंडली का मतलब कॉइल का किसी एसी को लेके मतलब आए, ये वोल्टेज हो गया, यहाँ पर मान लीजिए एल है, तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, ओम्स लॉ सिंपल क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता था, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। मतलब वोल्टेज को अगर ओम से डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज को अगर ओम से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। सेम ऐसी यहां पर भी ओम्स लॉ लग जाएगा, अगर वोल्टेज को ओम से डिवाइड कर देंगे, और ओम क्या होता है, एक्सेल। देखिए, याद रखिए, मैंने फिर से कहा एल से नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वी को एल से डिवाइड करेंगे, नहीं, एल हेनरी है। और ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज को जब आप ओम से डिवाइड करेंगे तब
करंट बन के निकल के आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, V अपॉन XL, पर आपको उसके लिए XL निकालना पड़ेगा। अब XL के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ही था पिछले में, 2πfL। अब चलिए सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ 50 है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और L कितना है, L है 0.1H। तो देखिए यहां गलती बस बच्चे क्या करते हो आप लोग, आप देखिए गलती ये करते हो कि आप R की जगह यहां पर L लिख देते हो, नहीं करना है। L की यूनिट हेनरी है, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज को ओम से डिवाइड करो, तो ओम में क्या होगा यहां पर, XL होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यहां रेजिस्टेंस तो है नहीं है, तो ये चीज तो कट जाएगी, होगी नहीं, तो यहां क्या होगा, XL होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए 2 पाई f इंटू ये, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 100 पाई इंटू 0.1, और अगर मैं इसको खोल दूं तो 10 पाई ये ओम हो जाएगा, मतलब 10 पाई ओम हो जाएगा। अब देखिए 10 पाई ओम मतलब 10 पाई का क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 31.4 ओम। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ही बैठ रहा है, 31.4 ओम 31.4 ओम। चलिए करंट को देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, अब देखिए करंट वाला फॉर्मूले में लगाएंगे तो करंट के लिए क्या होगा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो करंट को लेकर क्या होगा, वोल्टेज कितना है 200 और एक्सएल कितना आया अभी अपने पास 31.4। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखिए ये जाहिर सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि 200 को 31.4 से पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पेपर में। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट चुके हैं, डी ये ऑप्शन तो वैसे ही कट चुके हैं। अब देखिए यही तो फायदा है, अब आपको क्यों फायदा है क्रैश कोर्स का, इसीलिए फायदा है। देखिए 200 को जब 3.1 मतलब इसके 31.4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा डिवाइड करने में लग जाएंगे। बेटा पूरा डिवाइड करने का फायदा क्या है, क्या हमको वहां पर मतलब क्या मैथ का कर्तव्य दिखाने हैं कि नहीं मैंने मैथ बहुत अच्छी आती है, नहीं, आपने वहां आंसर लगा के चले जाना। अब देखो 200 को 31.4 से डिवाइड करोगे, क्या कभी 2000 आने वाला है, कभी नहीं आने वाला, तो ये ऑप्शन तो हट गया, इसका मतलब सिंपल यही आंसर बचता है। ठीक है, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको वहां पर जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपको वहां प्रेजेंट रहना है बहुत ज्यादा, तो ये इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है, सिंपल ओम्स लॉ की तरह आप इसको ट्रीट करिए V बाय XL। ऐसी आगे जब हम लोग जाएंगे ना तो वहां पर ओम्स लॉ के तौर पे ही वहां V बाय Z लग जाएगा, क्योंकि Z इंपीडेंस होता है, प्रतिबाधा जिसे कहते हैं, तो Z की भी यूनिट ओम होती है, तो वो आगे जाके देखेंगे। अभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंडक्टर को जब AC से जोड़ते हैं तो क्या होता है। अब जो यहां से जुड़ा हुआ और एक और सवाल है जो आपका आ सकता है पेपर में, वो भी मैं बता देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या पता चलता है, I इज इक्वल्स टू V बाय XL। ठीक है, करंट क्या होना है, ये होना है V को अगर हम यहां XL को खोल देंगे तो XL क्या हो जाएगा, 2πfL, है ना। अब आप एक चीज बड़ी ध्यान से देखिए, हम लोगों को यहां एक चीज समझ में आ रही है कि करंट व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। देखो यहां से सवाल बनते हैं, यहां ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो पता है आपसे क्या कहेगा कि अगर मान लीजिए ये पहले 50 हर्ट्ज थी, मान लीजिए तो फ्रीक्वेंसी घटा के आधी कर दी गई है, आधी 25 कर दी गई है, अगर फ्रीक्वेंसी आधी करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 से 100 हर्ट्ज कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो ये कितना हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके से आपको सवाल बनते हैं, और दूसरा यहीं से सवाल जो बनते हैं, XL इज इक्वल्स टू 2πfL, तो XL क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां फ्रीक्वेंसी को जो दोगुना करेंगे तो XL दोगुना होगा, कंफ्यूज मत होना, करंट व्युत्क्रमानुपाती रहेगा और XL समानुपाती रहेगा, तो अंतर आएंगी चीजों में, यहां घटाएंगे तो बढ़ेगा और यहां घटाएंगे तो ये घटेगा, प्रतिघात XL घटेगा। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो ऐसे सवाल बनते हैं, अगर यहां पर दुगना बढ़ाया तो ये दुगना बढ़ जाएगा, क्या प्रेरक प्रतिघात बढ़ जाएगा,
ठीक है भाई, कैसा लगता है आपको वीडियो, कैसा लगता है आपको क्लास, कैसी लगती है तो बताते रहा करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, और कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। बुराई भी कर दिया करो तो ऐसा भी लगेगा कि चलो कम से कम देख तो रहे हो, है ना, अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुराई को मैं सजेशन ले लूंगा और अच्छाई होगी तो ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, है ना। डिमोटिवेट नहीं हूँ, घबराइए मत। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये सवाल आप देखिए, मैंने आपको इंडक्टर्स इंडक्टेंस से लेके दो फॉर्मूले बताए थे, एन फाइव बाई आई और बताया था एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल। अब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये फॉर्मूलों पे सवाल आता है। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, और मेरे भाई वो बात क्या होगी वो सुनना। जब भी इन फॉर्मूलों को कभी भी यूज़ करोगे, खासकर इस फॉर्मूले को, क्योंकि इस फॉर्मूले में एरिया है और लेंथ दी हुई है, ठीक है। म्यू क्या है? चुंबकशीलता। देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, हर बार डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एन है नंबर ऑफ टर्न्स। भाई जिस इस फॉर्मूले को जब भी याद मतलब वो अप्लाई करोगे, कभी भी यूज़ करोगे, याद रखना सारी यूनिट मीटर में लेना। किस में लेनी है? सारी यूनिट मीटर में। उसके पीछे का मैं रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि जब ये म्यू होता है ना, म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, एयर का म्यू आर जो होता है सापेक्ष चुंबकशीलता वो वन होती है एयर की, ठीक है। तो देखो ये भी अपने आप में एक सवाल है, वैसे तो एयर की सापेक्ष चुंबकशीलता वन होती है ना। अब आप देखिए, अगर मान लो मैं एयर का केस लेके चलूँ तो ये खाली म्यू नॉट रह जाएगा म्यू, क्योंकि एयर की तो वन होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। मेरे भाई अगला सवाल यही हो जाता है कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, और यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये होती है मीटर में है। अब होता क्या है कि हम जल्दबाजी में एरिया में या लेंथ में से कोई सेंटीमीटर में ले लेंगे, पर इस चीज़ को हम लोग यही चीज़ ले पाते हैं और ये मीटर में होती है, तो वहाँ गड़बड़ आ जाएगा ना फॉर्मूले में, आंसर में एक मीटर और एक सेंटीमीटर में गड़बड़ आ जाएगा। चलिए आइए, ये फॉर्मूला कुछ इसी को देख के लगता है कि इसी में हिसाब से बनेगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जहां आते हैं, देखो मैंने क्यों अभी इस फॉर्मूले को डिस्कस किया, नंबर ऑफ टर्न्स जहां पर दे दे और प्रेरक प्रतिघात पूछे, मतलब हेनरी में देखो पूछा है ना, तो मैं तो सीधा सरनेम देखता हूं भाई, तो जब सरनेम से आइडिया हो जाता है किस क्या पूछ रहा है। अब हेनरी में पूछ रहा है तो एल ही पूछ रहा होगा, और टर्न्स दे रखे हैं तो टर्न्स से जुड़े हुए दो ही फॉर्मूले हैं भाई अपने पास, इसीलिए क्रैश कोर्स ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक वाइज जैसे जैसे चीजें चलती जा रही हैं, आप लोगों की टेस्ट सीरीज में भी टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट रखे हुए हैं, एक टॉपिक से तीन तीन टेस्ट मैं आप लोगों को दूंगा टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ टाइम में, बस 2-4 दिन 5 दिन जो भी लगेगा, मैं आपके धीरे धीरे अपडेट करते चलूंगा। काफी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों ने, और मैं सबसे अच्छा खुशी ये मेरे को है इस बात की कि जो बाहर के भी बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे मुझसे कभी पढ़े नहीं हैं ऑफलाइन के अलावा वाले मेरे जो बच्चे हैं, जो मतलब आप लोग जैसे जुड़े हैं यूट्यूब से, आप कई लोग मुझसे जुड़े हैं, वो लोगों ने विश्वास जताया है, थैंक यू फॉर देट। और आप विश्वास मानिए कि मेरी ऊर्जा इतनी डबल हो गई है कि मैं उस चीज़ को, आप देखिए कि मैंने बस, आप एट द एंड कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे कि सर ने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, या मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। आप देखिए टॉपिक वाइज है ना, जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट भी देते जाइए, ठीक है, और देखते जाइए गलतियां कहां से कैसे हो रही हैं और कहां हो रही हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स से पूछा था, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स कितना बोला है इसने, 300 टर्न बोला है कि एक कॉइल के 300 mm औसत परिधि, मतलब एल जो परिधि दी है कॉइल की, ठीक है, परिधि दी है कॉइल की, तो इसमें एल कहीं ना कहीं लेंथ हो गई पूरी। देखिए किसी चीज की परिधि जो होती है, किसी चीज की परिधि अगर हम, मैं इसको खोल दूं तो ये लंबाई तो बन जाएगी, अगर कोई कॉइल है मैं इसको खोल दूं तो वो इसकी लंबाई तो बन जाएगी, तो 300 mm। अब मेरे भाई एक बात समझना, यहीं पे बात है, और इसमें क्या हुआ, तथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 300 mm², ठीक है, वाले गैर चुंबकीय कोर पर लपेटी गई है। 300 एम्पियर की चुंबकीय धारा वाले कॉइल का प्रेरकत्व क्या होगा? चलिए साहब, इसने 3 एम्पियर करंट बहाया है। देखिए भाई एक बात सुनिए, ये mm में है, मैं इस बात का जिक्र कर देता हूँ, वैसे मैंने करा हुआ है, काला हीरा देख मैंने डायमंड कटर मंगाया, एक शॉर्टकट है, काला हीरा देख मैंने डायमंड कटर मंगाया, इसमें m लगा दीजिए, m लगा दीजिए, m लगा दीजिए, बस यहाँ मत लगाइए, है ना,
तो देखिए ये मिलीमीटर हो गया, एक दो तीन, तो तीन कूद मतलब तीन जंप मारनी है, और जब भी जंप ऐसे मारनी होती थी तो हम डिवाइड करते थे, और जब भी जंप ऐसे मारनी होती थी तो हम इंटू टेन करते थे। क्लियर है इतना पॉइंट? ये वैसे जगत सच में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, जगत सच में सबसे पहला ही लेक्चर है इस चीज़ का, ठीक है? तो प्लेलिस्ट में जगत सच एक बना हुआ है, वहां पर जाएंगे, इस चीज़ को बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। जब हम इधर जाते हैं तो डिवाइड टेन करते हैं, तो अब आप देखिए मिलीमीटर से हमें मीटर में चेंज करना है, मैंने अभी बताया रीजन आपको, तो मिलीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो एक दो तीन डिवाइड करेंगे तीन दस से, मतलब हजार हो गया कहीं ना कहीं भाई, टेन इंटू टेन इंटू टेन हजार हो गया, तीन बार दस से डिवाइड करेंगे तो हजार हो गया, ठीक है? तो ये कितना, ये मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? तीन बाय हजार मतलब 300 बाय 1000 है, तो 300 बाय 1000 अगर रखेंगे तो 3 बाय 10 हो जाएगा, है ना? 3 बाय 10 m मीटर, क्लियर है? और ये है मिलीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 300 बाय 1000 इंटू 1000, ठीक है? क्योंकि एरिया है, स्क्वायर में है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 3 बाय, ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा 0, 3 बाय ये, या फिर कह लो 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है? अभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा मैथ पे नहीं जाना चाहता, है ना? अब ये तो चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल। अब देखिए इसने हर करेंट दे रखा है, बट हमें करेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना? अब देखो करेंट वाले फॉर्मूले को लेंगे तो हमें फ्लक्स पता होना चाहिए, उसका कोई मतलब है नहीं है। एन स्क्वायर 300 स्क्वायर, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 300, तो 300 स्क्वायर को मैं इसलिए सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। म्यू, अब देखिए यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, एयर वगैरह दे रखा है कि नहीं? एयर वगैरह दे नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं है, जब देते नहीं है ना एयर, अच्छा इसने ये डायरेक्ट ये दिया तो है, अच्छा जब एयर वगैरह देते नहीं है ना तो आप उसको म्यू आर को 1 ही लेके चलो, है ना? जब कुछ भी देते नहीं है तो एयर मान के चलते हैं हम, ठीक है? तो अब आप देखिए जब म्यू म्यू नॉट म्यू आर होगा और म्यू आर 1 ले लेंगे तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट के। तो हम यहाँ पर म्यू को किसके बराबर ले लेंगे, म्यू नॉट के, तो म्यू नॉट की वैल्यू अगले ने दी हुई है। देखो जरूरी नहीं है हमेशा दे ही वो, है ना? म्यू नॉट, और एरिया कितना है भाई, एरिया है 3 बाय 1000, ठीक है ये हो गया, और एल कितनी है, लंबाई कितनी है 3 बाय 10 ऊपर, ठीक है? तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ भाई, ठीक है? अब देखिए आप इस चीज़ को देखिए, ये 0 यहाँ से कट गया, ये 2 0 यहाँ से कट गए, ठीक है? ये 1 0 यहाँ से कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आप समझिए 4 × 30 120, देखिए 30 × 3 90, 90 × 4 कितना हो गया 360 पाई इंटू 10⁻⁷। अब आप एक चीज़ देखिए बड़ा ही ध्यान से इस बात को समझना, 360 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर आप ऑप्शन से यहाँ जाना चाहें, जाहिर सी बात है इंडक्टर है तो हेनरी में आएगा, ठीक है? इंडक्टर है तो हेनरी में आएगा। अब देखिए 360 पाई इंटू 10⁻⁷, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 113.04 माइक्रो हेनरी, ठीक है? आपको ये 10⁻⁷ को -6 में चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर चल लेते हैं, कुछ एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, और वो रह गया था कि इंडक्टर डीसी या एसी सर्किट्स पर कैसा काम करता है। अब देखिए पेपर में एक क्वेश्चन आता है, इंडक्टर सप्लाई पे कैसा काम करता है और इंडक्टर स्टेट स्थितियों पे कैसा काम करता है, स्थिति पे कैसा काम करता है, ठीक है? तो देखिए सप्लाई हो गई एसी और डीसी, और स्टेट हो गई ट्रांजिएंट जिसे बोलते हैं क्षणिक अवस्था, और एक क्या हो गई ट्रांजिएंट हो गई, क्षणिक अवस्था हो गई, और एक क्या हो गई आपकी स्टेडी स्टेट। मतलब स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ, स्थिर अवस्था
तो ये एक सवाल पूछ लेते हैं और ये होती है क्षणिक अवस्था। देखिए थोड़ा सा जल्दी से ये बता देता हूँ, क्षणिक अवस्था क्या होती है और स्थिर अवस्था क्या होती है। देखिए क्षणिक अवस्था वो अवस्था होती है जब एकदम से किसी वोल्टेज या करंट का मान बहुत ही सूक्ष्म समय में, कम से कम समय में बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे अगर आपके मान लीजिए वायर है, मान लीजिए आर वाई वी वायर जा रहे हैं और ऊपर से बिजली गिर जाती है, तो इस वायर पे एकदम से वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा क्योंकि बिजली गिर गई है, और वो समय कितना होगा, बड़ा ही सूक्ष्म होगा। तो मतलब कम से कम समय में एकदम से बढ़ जाना, तुम्हारे मुंह में बुक्का मार दूं मैं तो क्या होगा, एकदम से कम से समय में एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा, नहीं लग जाएगा तो यार करूंगा नहीं ऐसा, तो क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, इसी को बोलते हैं क्षणिक अवस्था। ठीक है, बटन को आप जब चालू करते हो, किसी स्विच को आप ऑफ ऑन करते हो, ऑफ करते हो या ऑन करते हो, तो आप कम से कम समय में एकदम से वोल्टेज बढ़ जाते हैं। भाई आप देखो ना, बल्ब जल रहा है, आपने ऑन किया तो एकदम से कम समय में बल्ब जल गया, जल गया माने करंट एकदम हाई हो गया, और वो समय कितना लगता है, बड़ा ही सूक्ष्म। तो ये सब ट्रांजिएंट अवस्था होती है, और स्थिर अवस्था होती है जब आपका बल्ब जला ही रहता है। अब तो उसमें क्या है, बदलाव थोड़ी हो रहे हैं, अब वो 220 वोल्टेज मिले ही चले जा रहा है, मिले ही चला जा रहा है उसे बल्ब को, तो वो स्थिर अवस्था हो गई। तो देखिए अगर हम बात करें सप्लाई की, डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, तो देखिए डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, एक्सएल क्या हो गया, ओमेगा एल और 2πfL। जब फ्रीक्वेंसी को यहाँ जीरो रखोगे तो एक्सएल क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो ओम की तरह काम करेगा इंडक्टर अगर डीसी पे चलाएं, और जीरो ओम का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो आपका पेपर में क्वेश्चन क्या बना, जाहिर सी बात है अगर किसी इंडक्टर को आप डीसी सप्लाई पे लगाएंगे तो वो दिखने में जरूर आपको वहां पे लगा मिलेगा, पर वो काम कैसा कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो बेटा आपका आंसर ये हो जाएगा, डीसी में कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट कैसा। एसी में कैसा काम करता है इसका मैं बाद में आऊंगा, अभी क्यों बाद में आऊंगा बताऊंगा आपको। ट्रांजिएंट में कैसा काम करता है, क्षणिक अवस्था, जस्ट जीरो प्लस अवस्था, आपने बटन चालू किया ही किया है जस्ट। तो देखिए इस बात को समझिए, वैसे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, ई इजिकल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब एकदम से करेंट का बदलाव हो गया है, एकदम से करेंट का कुछ बदलाव हो गया है आई टू माइनस आई वन, पर वो समय क्या लगा, लगभग जीरो माइनस जीरो समय लगा, क्योंकि देखो टाइम में बदलाव कुछ नहीं हुआ, मतलब जस्ट जीरो सेकंड से जीरो ही सेकंड हुए होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ई इनफाइनाइट आ जाएगा, और ये ई क्या होता था, विरोधी पार्टी वाला होता था, ये ई क्या होता था, विरोधी पार्टी वाला होता था, ये ई क्या होता था, विरोधी पार्टी वाला होता था। मतलब ई जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा विरोध होगा, क्योंकि ई एम एफ उत्पन्न ही किस वजह से होता था, ईएमएफ उत्पन्न होने से ही तो विरोध होता था, आपने पिछले लेक्चर में बताया। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडक्टर कैसा काम करता है, यहाँ इंडक्टर कैसा काम करेगा, अगर विरोध करने वाले ज़्यादा होंगे तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इंडक्टर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, जब क्षणिक स्थिर अवस्था आ जाए, देखिए सबके लॉजिक होते हैं, जब हम अपनी डिटेल क्लास करते हैं तो सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं। और एसी में कैसा काम करेगा, कुछ नहीं, एसी में सिंपल, एसी में जो है वो एक एक्सएल प्रोवाइड करेगा, और एक्सएल निर्भर, सिंपल सी बात है, और करंट बहेगा इसमें, और एक्सएल किस पे निर्भर करेगा, एक्सएल निर्भर करेगा फ्रीक्वेंसी पे। मतलब कहने का ये है, जब अगर एसी पे चालू करोगे तो जाहिर सी बात है जो भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से यहाँ करंट बह जाएगा, वी बाय एक्सएल के हिसाब से बात खत्म होती है। और एक्सएल कितना बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो रुकावट करता रहेगा और काम करता रहेगा, और वो एक्सएल किस पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। तो एसी पे तो जैसा वर्क हम करवाते आ रहे हैं, अभी क्या ही कर रहे थे हम, एसी पे ही तो वर्क कर रहे थे अभी पिछले क्वेश्चन में, जब हमने उसे एसी 220 वोल्टेज पे लगाया तो वो एसी पे ही तो वर्क कर रहा था। मतलब सिंपल है, एसी पे वो नॉर्मल जैसा वर्क करता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक्सएल देगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करंट बनाएगा, वैसा ही करेगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, ये होता है आपका इस तरीके से इंडक्टर का ये सवाल हो जाता है, क्लियर है इतना पॉइंट। यहां आपका इंडक्टर खत्म हो जाता है ना, बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, इंडक्टर में जब दो इंडक्टर सीरीज में लगे होते हैं और यहां पर आपने वोल्टेज दिया हुआ है V, और यहां पर आपने VL1 VL2 दो वोल्टेज निकालने हैं, मतलब इंडक्टर 1 पे वोल्टेज, इंडक्टर 2 पे वोल्टेज, तो वोल्टेज डिवीजन क्या होगा, तो वोल्टेज डिवीजन याद रखिएगा, वोल्टेज डिवीजन रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ना वोल्टेज डिवीजन का, VL1 क्या होगा, टोटल वोल्टेज V इनटू जिसमें निकालना है वो वाला
जिसमें निकालना है वो वाला क्या लेंगे, ओम लेंगे। इसका अपना एक्सएल वन निकल के आएगा, एक्सएल वन क्या होगा 2πfL1, और एक्सएल टू क्या होगा 2πfL2। तो वही चीज है, सिंपल है। तो टोटल वोल्टेज इनटू एक्सएल वन अपॉन एक्सएल वन प्लस एक्सएल टू, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में जैसे निकालते थे सिंपल वही है, और VL2 क्या होगा टोटल वोल्टेज इनटू XL2, जिसमें निकालना है वही लेंगे, जिसमें निकालना है वही लेंगे XL1 प्लस XL2, ठीक है। ये वोल्टेज डिवीजन हो गया। जाहिर सी बात है वोल्टेज डिवीजन किस में लगेगा, सीरीज सर्किट में लगेगा ना, जब दो इंडक्टर सीरीज में हो। और जाहिर सी बात है करेंट डिवीजन की बात करेंगे, करेंट डिवीजन की बात करेंगे अगर हम, तो करेंट डिवीजन में क्या होगा, करेंट डिवीजन के लिए पैरेलल कनेक्ट होने चाहिए, L1 हो गया L2 हो गया। जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे AC बैटरी लगाई होगी, ये इसका XL1 आएगा ओम और इसका XL2 आएगा ओम। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल करंट, अगर यहाँ पे I करंट जा रहा है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। वैसे तो I1 I2 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें तो कितना वोल्टेज अपॉन XL1 और वोल्टेज अपॉन XL2। बट अगर आप करंट डिवीजन लगाना चाहते हैं तो करंट डिवीजन लगा लीजिए, I1 कितना बैठेगा, टोटल करंट I इनटू, जिसमें निकालना है वो नहीं लेना है, उसके अलावा वाला लेना है। मतलब अगर हमें, सॉरी ये थोड़ा सा गलत कर दिया ना, I1 I2 है ना, अब सही है। हाँ तो I1 निकालना है, तो I1 XL1 में जा रहा है पर इसके अलावा वाला लेना है, तो अलावा वाले में ये हो गया। देखो मैंने ये रेजिस्टेंस का पूरा पूरा डिटेल में बताया, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस में जैसे होता था, रेजिस्टेंस पैरेलल जैसे होते थे, तो I2 क्या हो गया टोटल करंट इनटू XL। अब देखिए I2 किस में जा रहा है, XL2 में, तो इसको नहीं लेना, इसके अलावा वाला लेना, अलावा वाला कौन सा है XL2, तो XL1 प्लस XL2, ये हो गया करंट डिवीजन I1 I2 करंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने इंडक्टर खत्म कर लिया है आज के लेक्चर में इतना। अगले लेक्चर में कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे, जरूर मिलिएगा। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, लाइक किया करिए अगर अच्छा लगता है, नहीं तो डिसलाइक कर दिया करिए, कम से कम कुछ तो मिलेगा यार, या तो कुछ मोटिवेशन मिले या कुछ सीखने को कुछ मिले, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में कैपेसिटर पर।